एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, बहुत दिन हो गए हैं और मैंने कोई वीडियो मतलब कि ब्लॉग नहीं शूट किया है, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज है 21 अगस्त और आज मैं ब्लॉगिंग शूट करी, मतलब कि रक्षाबंधन का प्रिपरेशन करना है, तो वो सब मैं शूट करूँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि अभी मैं कर रही, क्योंकि अभी तक मैंने नहाया नहीं है, नहाने ही जा रही थी। तो ये है एक फेस पैक है, और इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे के सारे नेचुरल है, आपकी स्किन को वाइटनिंग करने के लिए, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको दूर करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा फेस पैक, प्लस ये स्क्रब भी है। तो कल मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आज मैं फिर से इसको अप्लाई करूँ। जैसे वैसे तो इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसको आज भी यूज़ कर ले रही हूँ। इसलिए यूज़ करी क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो कल फेस पैक वगैरह लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फटाफट से इसको अप्लाई कर लेती हूँ एंड रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फेस को मैंने पहले से ही क्लीन कर लिया था, बहुत ही जेंटली इसको स्क्रब करना है। इसको आप अपने फेस पे, नेक पे, अंडर आर्म्स, हैंड, आप चाहो तो इसको फुल बॉडी स्क्रब भी कर सकते हो। और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं आप लोग बोलो या ना बोलो मैं तो शेयर करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ये मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत अच्छा लगा। और ये जो स्क्रब है वो मैंने कहीं देखा नहीं है, मैंने खुद से ही इसका इजाद किया है सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। क्योंकि इन दिनों जो मेरी स्किन है बहुत ज्यादा डल हो गई है, मैं इसको अभी हल्का सा ही स्क्रब करूंगी, बस थोड़ा सा स्क्रब कर लूंगी। जेंटली स्क्रब करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। अब ऐसा तो मैंने बताया ही नहीं है, तो क्या रखा हुआ है बस। अच्छा, रखे दो कोई तो ले जाएगा। 15 से 20 मिनट अपने फेस पे रखना है और अपनी बॉडी पे रखना है, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद। नहा के आ चुकी हूँ और ये रहा मेरा स्किन। और इसको लगाने के बाद जो मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब सिल्की टाइप की लगती है। अभी तक मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है, और मैं अभी इसको मॉइस्चराइज करूँगी, क्योंकि कल मैंने मॉइस्चराइजिंग नहीं किया था, तो शाम तक जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन जो है वो खींची खींची हुई सी लग रही थी, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रही थी, तो मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो अभी मैं स्किन केयर करूँगी, और अभी बज रहे 11:15, तो मैं पूजा करके भी चली आई हूँ। घर के सारे काम जो है, मॉर्निंग वर्क सब कुछ हो चुके हैं, और आज मुझे शायद अल्ट्रासाउंड करवाने जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैंने सुबह बोला था, पर सुबह मुझे थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा था तो मैंने मना कर दिया था। पर अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो अभी मैं जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लूँगी, तो देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या निकलता है, मेरी जो स्टोन है वो कितनी बढ़ी है या घटी है, या फिर जैसे था वैसा ही है, तो वो सब पता चलेगा। तो मैं शायद वीडियो के एंड में बताऊंगी। और आज बहुत सारे काम भी है, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ वगैरह भी बनानी है कल रक्षाबंधन के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा।
सो गाइस, मैंने मिठाई बनाई है कलाकंद, मैं बना रही हूँ इस वक्त। और मैंने यहाँ पे जो पाउडर मिल्क से कलाकंद बनाए, इसकी रेसिपी जो है वो मैंने नेक्स्ट ईयर ही अपलोड की हुई थी, तो मुझे अगर लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको रेसिपी बनाकर बाद में डाल दूँगी। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने सब कट कर लिए थे। तो ये देखिए, हमारा जो कलाकंद है ऑलमोस्ट रेडी है, बन गया है। सेपरेट कर लेंगे, ये प्लेट में सेपरेट कर। और ये देखिए, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वो वाला भी वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता, 15 से 20 मिनट के अंदर। मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा मास्क। तो अब मैं जा रही हूँ आपको शेखोड़ा, क्योंकि मैं चप्पल पहन रही हूँ। तो अब हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने। देखिए मयूर डिजाइन, यही सब है। और कौन दो डिजाइन है? घर पे मैं आ चुकी हूँ कब से, और आधा घंटा लगा था बाहर अल्ट्रासाउंड कराने में, क्योंकि सब कुछ किया हुआ था, मुझे सिर्फ पानी पीकर जाना था। तो बहुत सारा पानी पीना होता है, जिसके कारण मुझे आज पेट में भी दर्द हो गया। और अल्ट्रासाउंड के लिए जब मैं गई तो वहाँ पे पता चला कि मेरा जो स्टोन है वो कम नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि स्टोन कम नहीं होता, स्टोन निकलता है, तो कम नहीं हुआ, बढ़ा भी नहीं है, जितना था उतना ही है। तो बोला है कि अभी ऑपरेशन कराने का कोई ये नहीं है, जो अभी जो है वो दवा वगैरह खाएंगे, तो ऐसे ही देखते हैं अभी 1-2 महीना। और बस यही सब चीज़ अभी चल रहा है। उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, उतना टाइम तक कुछ खाया पिया नहीं था, लगभग 12:30 बज गए थे। तो खाने के बाद उसके बाद मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई थी। और अभी बज रहे 5:30, तो अब मैं जा रही हूँ घर के काम करने के लिए। तो सोचा इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। राखी आप लोगों ने देखा होगा, पर मैं लेकर नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। तो हस्बैंड ही बोले कि वही लेकर आएंगे, तो पता नहीं वो कैसा लेकर आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। जब आएगा राखी तो आप लोगों के साथ ही मैं क्लिप में ऐड कर दूंगी, या फिर रक्षाबंधन ब्लॉग में तो आप लोग देख ही लोगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको जो मैंने कलाकंद की रेसिपी बनाई है, और मतलब कि अभी तो इसमें तो पूरी मैं डिटेल में नहीं बताई हूँ, लेकिन अगर आपको देखना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि मैंने कैसे बनाई। 15-20 मिनट में आराम से आपका जो मिठाई है वो बन जाएगा बहुत सारा। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक मैंने कल लड्डू बनाया था नारियल वाला, वो आप लोगों ने देखा या नहीं, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लड्डू बनी है। सो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड कर देते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय।